मदर वूंड के बारे में, है ना? क्योंकि हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मदर वूंड या जो फादर वूंड है वो भी हमको एंसेस्टर से आता है। अभी एक सिंपल सी चीज है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो मदर वूंड जब हम बोल रहे हैं, मतलब इट इज रिलेटेड टू मदर, बट वो वूंड लड़की को भी हो सकता है एज अ डॉटर, लड़के को भी हो सकता है। सो ये मत सोचिएगा कि मदर वूंड मतलब कि सिर्फ जो लड़की है या फेमिनाइन है उसी को होगा, लेकिन उसका कॉज, उसका रीजन के मदर वूंड क्यों है इज रिलेटेड टू मदर। मदर नॉट बीइंग प्रेजेंट, मदर बीइंग एब्सेंट, मदर बीइंग नॉट अवेलेबल। तो जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की है एज अ चाइल्ड, बिकॉज हमारी माँ से हम, अब माँ का हमारे, जब हम इमेज देखते हैं, माँ और फादर का रोल डिस्टिंक्ट अलग अलग है। मदर का रोल अगर हमारा ध्यान देना है, हमारा सब तरह से हमको प्यार प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि फादर का रोल नहीं है वो, लेकिन फादर का प्राइमरी रोल या मेन रोल है हमको प्रोटेक्ट करना, राइट? हमको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट? तो और मदर का नर्चर, अगर ये दो प्राइमरी, अगर हम सिर्फ ये वन वर्ड में ये लिखे, उसके अलावा तो दोनों को बहुत कुछ प्रोवाइड करना होता है, लेकिन अगर हम ये मेन चीज मुद्दा रखें कि ये मेन ये है, तो अगर फादर ने ये चीजें नहीं प्रोवाइड की, मतलब वो कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली एब्सेंट रहा या क्रिटिकल रहा या हमको निग्लेक्ट किया या हमको डांटा, एब्यूज किया या कुछ भी, तो हमारे अंदर वो फादर वुंड। अब हो सकता है वो फादर का वुंड उसके खुद के जनरेशन से पहले से आ रहा है, वो फादर को खुद ही उसके फादर ने भी इल ट्रीट किया था, तो ये वुंड उसके थ्रू हमको आ रहा है। सो दैट इज हाउ द एंसेस्टर्स कनेक्शन इज देयर। लेकिन फादर वुंड भी आई कैन ऑल्सो हैव एज अ डॉटर, द सन कैन ऑल्सो। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मदर वुंड उसका इफेक्ट फेमिनाइन पे, मतलब एज अ डॉटर ज्यादा होएगा, ऑन द सन इट मे नॉट बी दैट मच, राइट? बिकॉज क्या है, जब आप एक फेमिनाइन हो, आपको आगे जाना है, आपको सिमिलर चीजें रखनी है जो एक मान की क्वालिटी होनी चाहिए। सन को मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इमोशनली दैट वे लाइक अ मदर, राइट? तो इसलिए उसका इफेक्ट जो दोनों के ऊपर होता है वो अलग होता है, पर ऐसा नहीं है कि मदर वुंड लड़के को नहीं हो सकता और सिर्फ लड़की को होता है, या फादर वुंड लड़के को ही होता है और लड़की को नहीं हो सकता। दोनों दोनों जेंडर में हो सकते हैं, लेकिन उनका सोर्स जो है वो मेन जो सोर्स भी नहीं, मैं बोलूंगी बोलूंगी कि सोर्स तो ऐसा भी हो सकता है कि फादर को मतलब हमको फादर की मदर की तरफ से आ रहा। तो सोर्स तो अलग भी हो सकता है, लेकिन उसका जो रीजन वुंड आता है वो स्पेसिफिकली वो नाम से कनेक्टेड है। मदर वुंड मीन्स मदर की क्वालिटी, फादर वुंड मीन्स फादर का। समझ गए? आई होप इट इज वेरी क्लियर।